अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आयशा एजाज। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान झटपट रेडी होने वाली रेसिपी, क्रिस्पी चिकन विंग्स चिकन ब्रोस्ट। जी तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए मैंने विंग्स लिए हैं, कुछ बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं। 250 ग्राम चिकन लेंगे और इसको 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 टेबलस्पून विनेगर के साथ मैरिनेट करके 3-4 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने नेशनल का चिकन ब्रोस्ट मसाला जो है वो आज ट्राई किया है। इट इज़ नॉट माय रेसिपी, इट्स अ रिव्यू वीडियो। तो लेट्स सी आज कैसे बनती है जी ये झटपट सी रेसिपी और नेशनल वालों ने ये कैसा मसाला बनाया है। तो इतनी ईजी है, इसको हमने सॉल्ट और विनेगर में जी मैरिनेट करके रख दिया, रेफ्रिजरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये नेशनल ब्रोस्ट मिक्स। इसको मैंने एक अंडा लिया है जी, उसको अच्छी तरह से बीट करना है और हाफ नेशनल ब्रोस्ट मिक्स को बीच में शामिल करके एक मज़ेदार सा बैटर बना लेना है। जी तो मैंने हाफ नेशनल बटर मिक्स का मसाला एग में बाइंड कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। उन्होंने अपनी रेसिपी कार्ड में एग बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से शामिल किया है क्योंकि चिकन को बाइंड करने के लिए कोई बाइंडिंग एजेंट होना चाहिए और एग इज़ द बेस्ट बाइंडिंग एजेंट। तो बैटर रेडी है, इसमें हम अपने चिकन विंग्स जो हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 2 आवर्स के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इस तरह से जी ये मसाला काफ़ी अच्छा रच बस जाएगा चिकन में। और आफ्टर 2 आवर्स हमने क्या करना है, जो लेफ़्ट ओवर मसाला रह गया है हमारा, उसकी सेकंड कोटिंग हमने ड्राई मसाले के साथ चिकन के ऊपर करनी है। और ये सेकंड कोट कर लिया है जी मैंने और अब ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। लेट्स सी इसको हम अब फ्राई करने जा रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और 1 by 1 हम पीसेस जो हैं वो फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। चिकन को हमने फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए, टेंडर हो जाए। अभी एक साइड से इसको हमने पकने के लिए रखना है और लो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा तेज़। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, बड़ा प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है और चिकन हमारा गल गया है। इट्स रेडी, इसको हमने अब डिश आउट करना है। इट्स रेडी टू सर्व। जी तो नाज़रीन, हमारा चिकन विंग्स, हमारा चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल रेडी है, इट्स रेडी टू सर्व। आई होप आपको ये इजी पीजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए कुक विद आयशा एजाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इसी से आपको मेरी सब रेसिपीज़ मिल सकेंगी सबसे पहले और बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग कुक विद आयशा एजाज़।